हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 SST। आज हम सिलेबस की बात कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं कि सिलेबस में क्या बचा है और अभी कंफ्यूजन का मामला है ज्यादा। तो आज हम पाठ्य वस्तु से हटाए गए भाग की बात करते हैं। हटाए गए भाग की यानी कि ये चीजें हट चुकी हैं। तो इसमें जो हमारा पहला यूनिट है इतिहास का, इसमें क्या क्या हटाए गए हैं। पहला है स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत से महाजनपद काल, राजस्थान के जनपद, शुंग वंश के शासक, शुंग वंश, सातवाहन, पाल वंश, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट, और गुर्जर प्रतिहार। चोल पल्लव ये सब राजवंशों के नाम हैं। चोल पल्लव चालुक्य। इसके बाद भारतीय आक्रमण, इसमें है शकुन और कुआन, शकुन और कुआन। ये टॉपिक अपने स्वर्णिम भारत से हटा दिए गए हैं। अब इसके अलावा जो भी टॉपिक बचे हैं वो आपके सिलेबस में ऐसे कैसे रखे गए हैं। जैसे हम बात करें बचने वाले टॉपिकों की, तो स्वर्णिम भारत में आपके क्या क्या बचा है। स्वर्णिम भारत में बचा है मौर्य वंश, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, गुप्त साम्राज्य और वर्धन वंश। यानी कि ये वाला भाग तो है हटाया गया भाग। और जो आपके बचा है अभी सिलेबस में, अभी जो आपको पढ़ना है वो क्या क्या है। मौर्य वंश कंप्लीट, मौर्य वंश आ गया, तो आपके गुप्त आ गया, इसका पूरा साम्राज्य आ गया, और वर्धन वंश। ये तीन वंश आपको पढ़ने हैं अभी सिलेबस में। और इसकी कंप्लीटली डिटेल मौर्य वंश में साम्राज्य, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था आपको पढ़नी है, जो कंप्लीटली दे रखी है। गुप्त साम्राज्य में वंश की संस्कृति, उपलब्धियां और गुप्तकालीन समाज आपको पढ़ना है। वर्धन वंश कंप्लीटली आपको पढ़ना है। तो ये वाला भाग हमने हटा दिया है। राजस्थान बोर्ड के आदेशानुसार अपने सिलेबस से महाजनपद काल, राजस्थान के जनपद, शुंग वंश, सातवाहन वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, चालुक्य वंश। इसके बाद भारतीय आक्रमण और आत्मसातीकरण आता है। इसमें शकुन और कुआन ये तीन लोग इसमें अलग से वंश थे। हमें स्वर्णिम भारत में केवल ये तीन ही चीजें पढ़नी है, मौर्य वंश का पतन, मौर्य प्रशासन, सैन्य व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। इसके बाद हमें पढ़ना है गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज और वर्धन वंश। ये इतनी चीजें हमें पहली यूनिट स्वर्णिम भारत में पढ़नी है। इसके बाद हम अगली यूनिट देखते हैं। इस यूनिट का नाम है संघर्षकालीन भारत। और इसमें जो हटाया गया भाग है वो है
विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। ये पाठ हटा दिया गया आपके। इसके बाद जो हटाया गया भाग है वो सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास। सिख धर्म हटा दिया गया आपके, इसमें हटाया गया है प्रादुर्भाव और विकास। ये दो चीजें किसमें से हटा दी गई हैं? संघर्षकालीन भारत में से हटा दी गई हैं। यूनिट का नाम क्या है? संघर्षकालीन भारत। अभी इस यूनिट में रखा क्या गया है वो भी देख लेते हैं। इस यूनिट में क्या क्या रखा गया है? दिल्ली संतलत है, दिल्ली सल्तनत है, या आपके सिलेबस में है खिलजी का पूरा वंश है, या आपके सिलेबस में है तुगलक वंश है, या आपके सिलेबस में है सैयद वंश है, या आपके सिलेबस में है लोदी और संतलत कालीन। लोदी है, सल्तनत है, और फिर मुगल काल ये भारत में। इसके बाद जब मुगल काल आ गया तो उसमें है हुमायूं, सूर साम्राज्य, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, और सत्ता के साथ प्रतिरोध, सहयोग, राजस्थान में के संदर्भ में हमीरदेव चौहान हैं, राव शेखा जी हैं, महाराणा प्रताप जी हैं, राव चंद्रसेन, राय सिंह जी, सवाई सिंह जी, जय सिंह जी, अमर सिंह जी, राठौड़ जी, ये सब हमारे राजपूत शासक यहाँ से आ जाते हैं। तो ये हमारा इतिहास संघर्षकालीन भारत का हमारे सिलेबस में बचा है। इसमें एक और है मराठों का इतिहास, जिसमें महाराज शिवाजी हैं, वीर तानाजी हैं, और तानाजी राम मालुसरे इसका इतिहास है, जिसमें जो अपन पढ़ेंगे दोनागढ़ का जो किला था, जो शिवाजी महाराज के जो वीर सेनानी थे सम तानाजी, उन्होंने बचाया था, वो सिलेबस में हमारे भी बचा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी साम्राज्य के प्रतिकार और संघर्ष की बात। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ हटाया गया भाग क्या क्या है, वो आप बहुत ध्यान से सुने और अपनी किताब में बहुत अच्छे से उसे मार्क कर ले। इसमें अंग्रेजों का मराठा व मैसूर से संघर्ष, ये भाग हमारे हटा दिया गया है। अंग्रेजों का पंजाब के साथ संघर्ष, ये भाग भी हटा दिया गया है। क्रांतिकारी संगठन का स्वतंत्र संग्राम में योगदान, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी आंदोलन, चाणेकर बंधु, श्री श्याम कृष्ण जी वर्मा, वीडी सावरकर जी, बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन और किसान आंदोलन, ये सारा पाठ हमारे सिलेबस से हट चुका है। फिर अंग्रेजी साम्राज्य प्रतिकार और संघर्ष में बचा क्या है वो देख लेते हैं। हमें क्या पढ़ना है अभी, हमारे सिलेबस में बचा क्या है वो देख लीजिए। 1857 से 1857 के स्वतंत्रता की जो घटनाएं घटी वो हमें पढ़नी है, 1857 की क्रांति हमें पढ़नी है, जनजातीय आंदोलन पढ़ने हैं, राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919 तक के अंतराल के, राजनीतिक आंदोलन 1919 से लेकर आजादी तक 1947 तक के आंदोलन, राजस्थान में जनजातीय सारे किसान और जितने भी प्रजामंडल आंदोलन अपने सिलेबस में, वो सारे हमें पढ़ने हैं। इसके बाद अगली यूनिट हमारी आती है इतिहास की, फोर्थ यूनिट, जिसे हमने नाम दिया था विश्व का इतिहास, और इसमें से क्या हटाया गया है वो देख लीजिए। यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ था वो हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे, किस प्रकार से आया था, ये भी हमें नहीं पढ़ना है, सिलेबस से हटा दिया गया है। जर्मनी और इटली का एकीकरण भी हटा दिया गया है। अब इसमें बच क्या गया है वो देख लीजिए। इसमें चौथी यूनिट है विश्व का इतिहास, इसमें औद्योगिक क्रांति एकमात्र टॉपिक रखा गया है, बाकी सारे टॉपिक यहां से हटा दिए गए हैं। अब इसमें से
अगली यूनिट में चलते हैं हम लोग और दूसरे भाग में आते हैं। इतिहास यहाँ पर हो गया कंप्लीट। दूसरा भाग है हमारे राजनीतिक शास्त्र का, जो हमने बहुत डिटेल से शुरुआत की थी। इसमें है पहला जो चैप्टर है, 5वां नंबर का, वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। इसमें क्या क्या हट गया है ये बहुत बारीकी से ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसमें से पूरे चैप्टर नहीं हटाए गए, वहां से तो पूरा टॉपिक ही हटाया गया है, इसमें कुछ भाग हटाए गए हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने यहाँ हो जाता है। इसमें से जितनी भी लोकतंत्र की परिभाषाएं थी वो सारी हटा दी, अब उनसे वहां सवाल आपको नहीं मिलेगा। कार्य प्रणाली, लोकतंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, ये भी सारा भाग वहां से हट गया है। लोकतंत्र की अवधारणा और सिद्धांत, हमने ये देखा था कि लोकतंत्र की अवधारणा विचारधाराएं किस प्रकार की हैं, अवधारणा को आप विचारधारा भी कह सकते हैं, और सिद्धांत किस प्रकार के सिद्धांत है, कितने प्रकार के लोकतंत्र है, ये सब सिद्धांत में ही आते हैं। अब इसमें से रखा क्या गया है वो देख लीजिए आप। लोकतंत्र वाले में क्या क्या आपके रखा गया है, अर्थ एक तो रखा गया है कि लोकतंत्र का डेमोक्रेसी डेमोस था है ना, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। विशेषताएं इसकी रख ली गई है, लोकतंत्र के सफलता के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं ये इसमें लिखा गया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, वे कंडीशंस जिससे लोकतंत्र जरूर सफल हो जाए, वो हमने पढ़ी थी बहुत अच्छे, शिक्षा वगैरह वो सारी चीजें थी इसमें। लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, ये भी हमने डिटेल से किया था कि लोकतंत्र की किस प्रकार से हम आलोचना, सीमाएं या कमियां निकाल सकते हैं, ये टॉपिक आपके सिलेबस में एज इट इज रख दिया गया है। तो लोकतंत्र जो 5वीं दूसरी यूनिट का 5वां चैप्टर है, उसमें से कुछ भाग हटा दिए गए हैं जो बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने आपको बताए हैं, कुछ रख लिए गए हैं। 6ठा चैप्टर हमारे यूनिट 2 जो केंद्र सरकार का चैप्टर है, उसमें से आपको देखना है। राजनीति शास्त्र जो यूनिट दूसरी है, उसमें 6ठा चैप्टर से क्या क्या हटाया गया, ये भी बहुत अच्छे से देखना है। कार्यपालिका, उपराष्ट्रपति, दोनों के दोनों हटा दिए गए हैं। इसमें से भी क्या क्या और आगे हटाया गया, मंत्रिपरिषद का गठन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, किस प्रकार से मंत्रिपरिषद का गठन होता है वो सारा हटा दिया गया है। मंत्रिपरिषद के कार्य भी हटा दिए गए हैं, उसके अधिकार हटा दिए गए हैं, मंत्रिपरिषद की शक्तियां हटा दी गई हैं, और न्यायपालिका में क्या क्या हटाया गया, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसका क्षेत्राधिकार हटा दिया गया है। ये सारे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब केंद्र सरकार वाले चैप्टर में रखा क्या गया है वो देखें बहुत ध्यान से। सरकार क्या होती है, इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है। इसके अंग, 3 अंग की बात की थी, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका। कार्यपालिका पूरा हटा दिया गया है, व्यवस्थापिका को रखा गया है और न्यायपालिका को रखा गया है। पहला क्या रखा गया है इसमें, सरकार का अर्थ रखा गया है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका रखी गई है। भारत में संसद, हमने पढ़ा था संसद क्या होती है आप जानते हो, उसके कार्य, शक्तियां। कार्यपालिका में कौन सी चीज रखी गई है आप ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूजन वाली स्थिति है। हमने 2 प्रकार की कार्यपालिका की बात की थी, एक वास्तविक कार्यपालिका जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है वो हटा दी गई है, नाम मात्र की कार्यपालिका फिर भी आपके सिलेबस में रख दी गई है, जिन्हें हम राष्ट्रपति के नाम से जानते थे। कार्यपालिका कितने प्रकार थे, 2, एक कार्यपालिका वास्तविक वाली और एक नाम मात्र वाली। नाम मात्र वाली राष्ट्रपति जो है वो रख दी गई है, वास्तविक कार्यपालिका हटा दी गई है। तो राष्ट्रपति आपके सिलेबस में है, प्रधानमंत्री जी हैं, विपक्ष की भूमिका है, और न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता भी आपके यहाँ रखी गई है, वहां से सुप्रीम कोर्ट और उसके क्षेत्राधिकार हटाए गए हैं, बाकी सारी न्यायपालिका आपके जी डीजी है। अगला जो चैप्टर है 7वां, जिसका नाम है राज्य की सरकार, इसमें से क्या हटाया गया वो देखें। राजस्थान विधानसभा परिषद के गठन की प्रक्रिया और वर्तमान स्थिति, ये आपके हटा दिया गया है कि राजस्थान में विधान परिषद की गठन कैसे हो सकती है और उसकी प्रक्रिया क्या है, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। क्या रखा गया है वो देखें। विधानमंडल दोनों से बना है, विधानसभा और विधान परिषद से, वो रखा गया है। विधानसभा का गठन, कार्य, शक्तियां, विधान परिषद का गठन कैसे होता है, कार्य, कार्य व शक्तियां, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा वाला टॉपिक हटाया गया है, लेकिन विधान परिषद का गठन कैसे होता है, पूरे किसी भी राज्य में विधान परिषद कैसे बनता है, ये बात आपको बतानी है। राजस्थान के बारे में जो भी बातें हैं वो सब हटा दी गई है। मुख्यमंत्री
सॉरी दोबारा से बताता हूं मैं। विधानमंडल, विधानसभा का गठन कार्य, शक्तियां, विधान परिषद का गठन कार्य और शक्तियां दोनों की, विधानसभा और विधान परिषद दोनों की शक्तियां, गठन और कार्य समझाना है। फिर राज्य कार्यपालिका, पहले केंद्र वाले की बात की थी हमने, राज्य कार्यपालिका में वही मंत्री परिषद और सीएम आते हैं। कार्यपालिका का गठन कार्य अधिकार शक्तियां ये, फिर राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता और नियुक्ति, ये बात आपके सिलेबस में है। इसके बाद आपके सिलेबस आता है ज्योग्राफी का, ये भी बहुत ध्यान से देखना है। इसमें नवा चैप्टर है भारत की कृषि, और इसमें से जो हटाया गया भाग है वो आप पहले देख लें। भारत की प्रमुख दलहने दालों की जो फसलें हैं वो सारा टॉपिक हट गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका या योगदान क्या रहता है वो टॉपिक भी हटा दिया गया है। अब इसमें रखा क्या गया है सिलेबस में वो देख लें। हाँ यहाँ एक है आठवां चैप्टर, हम भूल गए, आठवां चैप्टर से कुछ हटाया नहीं गया शायद। इसमें आठवां चैप्टर है आपके जल संसाधन, और इसमें बहुउद्देश्य परियोजना, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन और राजस्थान के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे सिलेबस में हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब नवे की बात करते हैं, हटाया हुआ भाग तो हम देख ही चुके हैं। भारतीय कृषि में भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलें, वहां दालें वगैरह हटाई गई थी, यहाँ सिलेबस में रखा क्या गया है नवे चैप्टर से, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें रख ली गई हैं हमारे सिलेबस में है। 10वां चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन, यहां से क्या हटाया गया है ये देखते हैं हम। खनिज ऊर्जा के संसाधन ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। भारत के प्रमुख खनिज लौह अयस्क, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, जस्ता और अभ्रक, ये सारे भाग हमारे सिलेबस में अब नहीं रहे। और इसमें रखा क्या गया है वो आप देख लें, हमारे सिलेबस में क्या आने वाला है। खनिज व ऊर्जा संसाधन से देखें तो भारत के जितनी भी खनिज पेटियां हैं वो सारे हमारे सिलेबस में हैं। ऊर्जा खनिज है, कोयला, पेट्रोल पदार्थ, परमाणु ऊर्जा खनिज, ये सारे सिलेबस में हैं। राजस्थान के जितने भी खनिज है वो भी आपके सिलेबस में आएंगे। 11वां चैप्टर है विनिर्माण उद्योग, इससे क्या हटाया गया है ये आप देख लें। विनिर्माण उद्योग से भारत में उद्योग, आधुनिक उद्योगों का प्रारंभ कैसे हुआ ये टॉपिक हट गया है। इसमें लौह इस्पात उद्योग ये हट गया है, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग और कागज उद्योग ये आपके सिलेबस में अब नहीं रहा है। इसमें आपके सिलेबस में है क्या विनिर्माण उद्योग में, राजस्थान का औद्योगिकरण कंप्लीट आपके सिलेबस में है, राजस्थान के प्रमुख उद्योग ये भी आपके सिलेबस में है, और औद्योगिक प्रदूषण ये भी आपके सिलेबस में अभी बचा हुआ है। अगला टॉपिक है मानव संसाधन 12वां चैप्टर, और इससे क्या हटाया गया है ये हम देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या की विशेषता ये टॉपिक हट गया है। नगरीकरण जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या की नीति, राजस्थान की जनसंख्या की नीति, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में अब नहीं है। और है कौन से वो देख लेते हैं। मानव संसाधन वाले टॉपिक से 12वें चैप्टर से कौन कौन से सिलेबस बचा है। जनसंख्या क्या होती है ये आपको बताना है। जनसंख्या का आकार, वितरण ये आपका टॉपिक है। जनसंख्या वृद्धि, वृद्धि के कारण, घनत्व, विशेषताएं जनसंख्या की, साक्षरता दर और लिंगानुपात, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में बचे हैं। इसमें से आपका जो 13वां चैप्टर है वो पूरा का पूरा ही क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। आपके सिलेबस में 13वां चैप्टर है परिवहन और संचार, ये पूरा का पूरा ही आपके चैप्टर हटा दिया गया है। अब इसमें से 14वां चैप्टर है आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन, और ये जो 14वां चैप्टर है वो आ गया अर्थशास्त्र का। आपका 13वां चैप्टर पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया, पूरा का पूरा चैप्टर ही आपको नहीं पढ़ना है परिवहन और संचार वाला। अब बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की, इसमें से क्या हटाया गया है 14वें चैप्टर में, जिसका नाम है आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। इसमें एक हटाया गया है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय आय का सामान्य इंट्रोडक्शन परिचय और आर्थिक वृद्धि, ये टॉपिक हटा दिए गए हैं।
चौदहवें चैप्टर से आपके क्या रखा गया है वो देख लें। आर्थिक अवधारणा और नियोजन चौदहवें चैप्टर में आपके सिलेबस में क्या है, इसमें है आर्थिक विकास आपका सिलेबस है, भारत में आर्थिक नियोजन ये भी आपका सिलेबस है, दोनों टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पंद्रहवें चैप्टर की बात करें तो पंद्रहवें चैप्टर में से आपके क्या हटाया गया है पहले ये बात करते हैं। चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और उसकी नवीन प्रवृत्तियां। पंद्रहवें चैप्टर से क्या हटाया गया है, अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में और विकासशील अर्थव्यवस्था, ये दो टॉपिक आपके हटा दिए गए हैं। और आपके चैप्टर में पंद्रहवें चैप्टर में है क्या सिलेबस में वो देख लें। आर्थिक सुधार आपके सिलेबस में आएगा, इसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये टॉपिक आपके हैं। स्वदेश की अवधारणा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट ये भी आपके सिलेबस में आएगा। 16वां चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां और इससे क्या हटाया गया है ये देख लें। इससे दो टॉपिक हटाए गए हैं, मूल्य और वृद्धि, ये दोनों के दोनों बिंदु आपको नहीं पढ़ने हैं 16वें चैप्टर से। और आपको क्या पढ़ना है ये देखना है, ये हमारे सिलेबस में निर्धनता, बेरोजगारी, इनके कारण और इनके निवारण के उपाय, ये टॉपिक आपके सिलेबस में आएगा। 17वां चैप्टर पूरा का पूरा ही हटा दिया गया है और ये 17वां चैप्टर है मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, जो हमने अर्थशास्त्र की शुरुआत की थी तो बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ा था, लेकिन ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 17वां चैप्टर पूरा डिलीट है कंप्लीटली। इसमें हम देखें इसके बाद अठारह, 19 और 20 तीन चैप्टर बचे आपके, और इनमें से भी कौन से भाग हैं ये हम कंफर्म कर लेते हैं। 18वें चैप्टर में आपके सिलेबस में क्या क्या बचा है, उपभोक्ता विधिक जागरूकता सूचना का अधिकार जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्या है, उपभोक्ता क्या होता है अर्थ आपको समझाना है, उपभोक्ता शोषण के कारण हमने पढ़ लिए, उपभोक्ता के अधिकार हमने पढ़ लिए, उपभोक्ता के कर्तव्य भी हमने पढ़ लिए, और ये सारे आपके सिलेबस में भी हैं। आपके सिलेबस में क्या क्या है, अर्थ है उपभोक्ता का, शोषण के कारण है, उपभोक्ता के अधिकार कर्तव्य हैं, उपभोक्ता विवाद भी आपके हैं, निवारण के लिए किए गए उपाय हैं, विशेष तौर पे राजस्थान वाले, राजस्थान में दो स्तर की न्यायालय की बात की थी, राज्य और जिला, और दोनों ही आपके सिलेबस में बच गए हैं। विधिक जागरूकता और सूचना का अधिकार ये आपका सिलेबस बचा है, बाकी अगर इसमें कोई टॉपिक है तो वो सब हटा देने हैं, सिर्फ बचे इतने ही टॉपिक हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 18 चैप्टर में अर्थ बचा है, उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार, कर्तव्य, उपभोक्ता के जो भी विवाद होते हैं, निवारण के उपाय राजस्थान के संदर्भ में जो है वो सारे के सारे, विधिक जागरूकता और सूचना के अधिकार आपके बचे हैं। सड़क सुरक्षा की शिक्षा पूरा का पूरा ऐसा बचा है, स्वास्थ्य और ठोस कचरा ये भी आपके बचा है। तो ये 10th के बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे थे सिलेबस को लेकर कि पेपर में कुछ और छपा था और हमारे द्वारा दर्शाया गया भाग कुछ और था, तो ये ऑथेंटिक जो हमें स्कूल के ग्रुप से मिला है और अजमेर बोर्ड की साइट पे भी ये डाउनलोड जरूर होगा, तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो स्पष्ट आकलन है। फिर भी किसी भी चैप्टर में यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप बहुत अच्छे से इसे देख लें और किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो आपको 10th के व्हाट्सएप ग्रुप पर ये पीडीएफ उपलब्ध है, मेहता स्कूल 10th का तो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये उपलब्ध है। अगर फिर भी किसी को चाहिए ये और उसके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप मंगवा सकते हैं, मैं इसको उस पर प्रेषित कर दूंगा। कोई ऐसा बच्चा हो जिसे ये जो ग्रुप में शामिल नहीं है या उसका ग्रुप से लिंक हट गया है, फिर भी वो पीडीएफ चाहता है कि मुझे ये कंफर्म हो जाए कि कौन सा भाग बचा है कौन सा नहीं, उसमें कंफ्यूजन है अभी भी, तो मेहता स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप 10th का जो बना हुआ है उसमें ये पीडीएफ अवेलेबल है। यदि वहां से भी अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ नहीं है,
वीडियो देख रहा है, स्कॉलर ईआरपी से ही जुड़ा हुआ है, तो आप मेरे नंबर 9782631192 पर मैसेज कर दें, और कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप मैसेज करेंगे तो मैं व्हाट्सएप के जरिए ये आपको पीडीएफ टेंथ की प्रोवाइड करवा दूंगा।